खुशी बिटिया, ये देखिए का हुई कबा। वो निकम में मोतीलाल जी गलत पोशाक भेज दिए, सब गड़बड़ कर दिए। हीर रांझा का पोशाक भेज दिए। क्या? हाँ, चलिए। हमें लगता है अब नानी जी और खुशी जी का नंबर। नहीं अंजलि बिटिया, उन लोगों को तो तीसरे नंबर पे परफॉर्म करेगा है। नानी जी, हमें तो हीर रांझा के संवाद याद ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे? और आप तो अब तक तैयार भी नहीं हुए। ठीक है ना बिटिया, जो मन में आवे बोल लेंगे। वैसे कहानी का सार तो पता है ना। कहीं दुख उठावे के बाद, कई बार बिछड़ने के बाद आखिर माहिर रांझा मिलने ही वाले हैं कि हीर के चाचा कैतन। एक मिठाई में जहर मिला देवत है, वो हीर पहले खावत है और उनके प्राण निकल जावत है। और हीर को ना बचा पाने के दुख में रांझा ने भी मिठाई खा ली और अपनी जान दे दी। क्योंकि हीर के बिना तो रांझा का कोई वजूद ही नहीं है। शादी के दिन दोनों की मौत हो गई। बस आपको तो सब पता है बिटिया। जाइए, आप मंच पर जाइए। हम आवत है। पर नानी जी, हम सब संभाल लेंगे, बाकी का इंतजाम करते हैं। हाँ, आप जाइए 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 ना जाइए। नानी, अगर आप लोगों ने स्टूपिड लव स्टोरी की प्रैक्टिस नहीं की थी तो परफॉर्म करने की क्या जरूरत थी? ये देखिए छोटे, ये हम कैसे पहन सकते हैं? नानी, रांझा मेल था तो कॉस्ट्यूम ही मेल का ही होगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। आपने खुशी को स्टेज पर जाने क्यों दिया? अरे मिसेस साहिसाता, आपकी पार्टनर कहाँ है? जी वो आ रही है। आप लोग ही रांझा बने हैं ना? कहाँ है आपकी रांझा? हाँ, आप पहन सकते हैं। व्हाट? हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे मिसेस आयजादा, आपकी पार्टनर कहाँ है? जी जी वो आ रही है। आप लोग ही राजा बने हैं ना? जी। नेक्स्ट आपकी परफॉर्मेंस है, प्लीज। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ नानी जी, अब आपके सामने आ रहे हैं दो प्यार करने वालों का एक और लेजेंडरी जोड़ा। तो आइए स्वागत करते हैं हीर और रांझा का। वो नानी जी तरह से मजनू को क्यों ढूंढ रही है? हाँ मतलब रांझा, माफ कीजिए, वो थोड़ी घबराहट हो रही है ना, हम फिर से करते हैं। नानी जी, पहले तो हीर को मजनू याद आ रहा था, अब नानी याद आ रही है। ई, आप पहन सकते हैं। व्हाट? हाँ नो 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 वे, I'm not interested. आप स्टेज पर जाकर सॉरी बोल दीजिए। छोटे, का हम यही सिखा रहे हैं आपको?
कि मुश्किल घड़ी माँ पीठ दिखा के भाग जाए? अगर ये कौन दिल बहलावे का खेल नहीं होता, आपके बिजनेस का काम होता और आपकी पूरी तरह तैयारी नहीं होती तो आप भाग जाते? नानी, let's face it, ये कोई बिजनेस डील नहीं है, एक स्टूपिड सा कंपटीशन है। ये बात हमारे लिए उतनी जरूरी है जितने के आपके लिए बिजनेस का काम। हम भी ख्वाहिश की आपकी नजर में कोनो कीमत नहीं। आपकी पत्नी का सबके सामने मंच पर मजाक उड़े ये बात आपके लिए कोनो मायने नहीं रखती। ठीक है, हम जान गए। ये लीजिए, लीजिए। नहीं खुशी, भागते तो झूठे, सच्चे तो डटे रहते। हम हीर हैं और आज हमारी शादी हो रही है। अरे किससे हो रही है शादी, रोमियो मजनू या नानी से? हाँ खुशी, मुझे एक लाइन नहीं आती है। नानी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। अब तुम कुछ करो, कुछ बोलो और जल्दी बोलो खुशी। हीर। अरे भाई, अब तो रांझा भी आ गया, अब तो लव स्टोरी को आगे बढ़ाओ। जिसको जी जान से चाहते हैं, जब उसे नजरों के सामने पाते तब आंखें बोलती हैं, सुबान नहीं। ये हम जानते हैं, ये आप जानते हैं। ऐसे में सवाल वही करते हैं जिन्हें प्यार क्या है, इसकी हवा तक नहीं। शुरू करेंगे, आप वो पूरा कीजिए। आज ही रांझा की शादी है। जिसकी बांसुरी की धुन सुन के मुझे जवान होने का एहसास हुआ, जिसकी सिर्फ एक नजर से मुझे खुद के होने का एहसास, जिसने मेरे लिए हर सितम सहे और जिसके लिए मैंने हर सितम भुला दिया, जिससे मैं बहुत वक्त तक मिलती रही और जिससे बहुत वक्त तक जुदा रही। आज उसी रांझे से मेरी शादी होने जा रही है। मैं कहने को हीर, लेकिन दिल से रांझा। रांझा रांझा कहते कहते दीवानी हुई, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। समझ नहीं पा रही हूं अपने रांझे के लिए कितना सजू। शीशा देखो तो भी तुम ही नजर आते हैं।
से प्यार।